लिया और सांस छोड़ते हुए लुक बैक वन, सांस ले सांस छोड़े लुक बैक टू, सांस ले सांस छोड़े लुक बैक थ्री। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी तीन ऐसे सुपर इजी सिंपल इफेक्टिव योगासनों का अभ्यास जिनको आप निरंतर करते रहते हैं, रेगुलर करते रहते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले। सबसे बड़ा लाभ तो आपकी पूरी की पूरी एब्डोमिनल मसल्स जो है बहुत अच्छी तरीके से टोन होंगी, मजबूत होंगी। इनके आसपास की जो चर्बी है ना उसको कम करने में बहुत मदद मिलेगी, चाहे वो साइड फैट फैट हो चाहे बेली के अराउंड जो फैट हो वो कम। तो बेली का फैट तो कम हो गया। इसके अलावा इन आसनों के अभ्यास करते रहने से आपके सारे आंतरिक अंगों को बहुत अच्छी मसाज मिलती है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, आपकी किडनियां, आपके लिवर पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपके शरीर से जो भी वेस्ट जो है वो शरीर से बहुत अच्छी तरीके से एलिमिनेट होते हैं, यानी बाहर मल के द्वारा या मूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। स्टमक से निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, लिवर से निकलने वाले जो जूसेस हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सिक्रीट होते हैं और ये सारी चीज़ें मदद करती हैं डाइजेशन को और बेहतर बनाने में। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बेनिफिट्स यहीं पर ख़त्म नहीं होते। इन आसनों का अभ्यास जब आप करेंगे तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। आपकी लोअर बैक पर अगर दर्द होता है, कमर के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है तो वो सारी चीज़ें भी छू मंतर हो जाएंगी। साथ ही इन आसनों का अभ्यास अगर आप करते रहते हैं तो चाहे महिलाएँ हों चाहे पुरुष हों उनके जननांगों पर इन आसनों का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। कंधे दर्द होते हैं, कमर दर्द होती है और अगर गर्दन के आसपास दर्द है वो भी कुछ दिनों में छू मंतर हो जाएंगे, लेकिन अभ्यास रेगुलर करना है। इफेक्ट कम करने के लिए बहुत से फैक्टर्स और भी ज़्यादा बहुत मायने रखते हैं कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी पूरी की पूरी दिन की दिनचर्या कैसी है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, पहले सीख लेते हैं इन योगासनों का अभ्यास। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना इसको दबा दीजिएगा और लाइक का बटन भी नीचे दिख रहा होगा इस तरीके से थम्स अप का, उसको भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले आसन का जो अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है चक्की चालन आसन का अभ्यास। चक्की चालन आसन के लिए बहुत इजी आसन है। आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेना है अपने शरीर के सामने और दोनों पैरों के बीच में कम से कम एक फुट का फासला रखना है ऐसे। अब दोनों पैरों को जब आपने एक फुट का फासला ऐसे रख लिया तो दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे फंसा लें। ऐसे इमेजिन करें कि आपके सामने एक बड़ी सी चक्की है जिसको कि आपको चलाना है। पहले महिलाएं जो हैं घर पे ऐसे सुख सुविधाएं तो होती नहीं थी, मशीन इतनी थी नहीं थी, तो बड़ी बड़ी चक्कियां हुआ करती थी जिसमें कि आटा पीसा जाता था। तो ऐसे दोनों आप ध्यान रखें कि दोनों हाथों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच करें और आपकी जो कुहनियाँ है ना, एल्बो है, इसको ऐसे मोड़ेंगे नहीं, सीधा रखेंगे। कि आप इमेजिन करें कि आपने उस चक्की की हैंडल पकड़ी हुई है और सामने देखें, कमर को सीधी रखें, ऐसे झुका के नहीं रखें, कमर को सीधी रखें और दोनों पैरों को भी सीधा रखें। अब सांस लेते हुए आपको ऐसे पीछे की तरफ जाना है कि आप उस हैंडल को पीछे की तरफ पकड़ लिए हैं और सांस छोड़ते हुए आगे वाले यानी राइट पैर का जो अंगूठा है वहाँ पर उसको टच किया, लेफ्ट पैर का अंगूठा टच किया और फिर ऐसे पूरा गोल घुमाते हुए पीछे आ गए। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ जब आएंगे ना तो इसका इफेक्ट आपको पूरे के पूरे पेट के अराउंड जो है मांसपेशियों पर देखने के लिए बहुत आराम से मिलेगा। अगर आप अभी बैठे हैं, खाली पेट है और योगा मैट पर बैठे हों तो मेरे साथ ही इस अभ्यास को करें ऐसे। तो आप इस तरीके से अपने राइट बड़े अंगूठे, लेफ्ट बड़े अंगूठे को टच करें, फिर वापस आ जाए। सांस लिया और सांस छोड़ा 5, सांस लिया और सांस छोड़ा 6, ऐसे सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे 7, सांस लीजिए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे 8, सांस लेते हुए लीन बैक, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड और एक बार और सांस ले और ऐसे सांस छोड़ दें। तो ये अभ्यास हो गया। अब जो अभ्यास हमने पहले राइट से लेफ्ट किया था उसको लेफ्ट से राइट करना भी ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक साइड अभ्यास ना कीजिए। उंगलियां फंसा ली, फिर से उस इमेजिनरी हैंडल को पकड़ा, सांस लिया, फिर से 10 बार, दोनों पैरों के बीच में एक फुट का फासला है, सांस लिया
और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट अंगूठा राइट अंगूठा और फिर पीछे। सांस लीजिए, लेफ्ट अंगूठा राइट अंगूठा फिर पीछे। हो सकता है किसी की बेली बहुत बड़ी हो, फैट बहुत ज़्यादा हो, मोटापा बहुत ज़्यादा हो और आप ऐसे अंगूठे पकड़ ना पा रहे हो। कोई बात नहीं, जितना पीछे झुक सके पीछे झुके और फिर आगे झुके, ऐसे कि चक्की चला रहे हैं। जब जब धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी, कैसे इंप्रूव होगी, लोअर बैक यानी कमर और पूरे के पूरे पैर के नीचे हैमस्ट्रिंग्स पर जब आप ये काम करेंगे तो अपने आप ऐसे सामने झुकना आपके लिए आसान होता जाएगा। तो आपने देखा पूरे अभ्यास के दौरान मेरी जो कूहनी है वो मुड़ी नहीं, और ऐसे सामने जब झुक रही हूँ तो थाई का दबाव पेट पर पड़ रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये अभ्यास आपको करना है। एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें, बहुत से लोग क्या करेंगे ना, एल्बो ऐसे बेंड कर लेंगे, ऐसे अभ्यास करेंगे, ऐसे ऐसे। तो आप जब पीछे आगे नहीं, वो इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपकी जो इफ़ेक्ट आपको एब्डोमिनल मसल्स पर मिलना चाहिए थे वो नहीं मिलेगा। तो पूरा हाथ सीधा रखें, पीछे जाएं और पूरा जब आगे जाएं तो आगे की तरफ झुकें। जब आप आगे की तरफ झुकेंगे तो लोअर बैक पर भी इसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा और पूरी की पूरी हैमस्ट्रिंग्स पर यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो डबल ट्रिपल बेनिफिट मिल रहा है, लोअर बैक भी अच्छी हो रही है, पेट के आसपास की चर्बी भी भागेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो पूरा आगे ऐसे झुकें। अब जब आप इसमें महारत हासिल कर ले, यानी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए और आप कंफर्टेबल हो, तो अब दोनों पैरों के बीच में आप फासला कर लें, जितना फासला कर सकते हैं दोनों पैरों के बीच में, जितना आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं इस तरीके से डिस्टेंस बढ़ा दें, है ना, ऐसे। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है। तो डजंट मैटर आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है तो वो आपको सबसे पहले डिस्कस करना है क्लास ज्वाइन करने से पहले। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ और उनको उनकी हेल्थ कंडीशन से उभरने में मदद करती। अब वो हेल्थ कंडीशन चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक कंडीशन हो, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, ओबेसिटी की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, पीरियड्स की समस्या, मेनोपॉज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हार्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या, इन सारी समस्याओं से उभरने में योग आपको बहुत मदद करता है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग मेडिकेशन है उसके साथ योग का अभ्यास करें, आप देखें कितनी आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं सुबह 7 से 8, तो मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं बिगनर्स के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। इन कोर्सेज की जो जानकारी है मेरी वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगी। इन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको किस वक्त ज्वाइन करना है। जब भी आपको वक्त मिले इन कोर्सेज को परचेस करने के बाद आप अपना लॉगिन करें आईडी और पासवर्ड डाल के, और इन कोर्सेज को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। जब इन कोर्सेज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको मेरे वेबसाइट जो कि www.yogawithshahida.com है वहाँ पे मिल जाएगी, या कि आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो मेरी टीम के द्वारा, जो ये नीचे नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मेरी टीम के द्वारा दे दी जाएगी। अब मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर दिया। हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अभी कम है, तो अगर इतना भी पैर खुले, जितना खुले उतना खोल के रखना है। तो मैंने अपने दोनों पैरों को अच्छी तरीके से खोल लिया, अब दोनों हाथों को वापस से जोड़ लिया। वही सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे कि कूहनी मुड़ने ना पाए। सांस लेंगे, ऐसे पीछे झुक जाएंगे, तो पहले राइट साइड से लेफ्ट साइड अभ्यास कर रहे हैं, तो पीछे झुक गए, दोनों हाथों को राइट अंगूठे की तरफ ऐसे घुमा दिया और सांस छोड़ते हुए ना ऐसे पूरा आगे झुकते हुए लेफ्ट अंगूठे से अपने हाथों को टच किया। फिर से पीछे जाना ज़रूरी है, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए 2, सांस लिया पीछे जाए पूरा और सांस छोड़ते हुए 3, ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ते हुए 4, ऐसे पूरा, कि जैसे बड़ी सी चक्की अब आपके पास आ गई है। पहले तो छोटी चक्की थी जब दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला था, अब चक्की बड़ी हो गई है। इसके अभ्यास से आपको पता है एब्डोमिनल मसल्स की जो फैट है वो तो भागेगी ही दूर,
आपके जननांगों, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, दोनों के जननांगों पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा ऐसे। तो जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके पैरों के नीचे यहाँ पर जो मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना, बहुत कड़ी है, कड़ापन है, सख्त है, वो भी धीरे धीरे अच्छी होने लगेंगी। तो अब हमने एक साइड अभ्यास कर लिया, तो जब भी एक साइड अभ्यास करते हैं उसको उल्टी दिशा में भी करना ज़रूरी है। तो दोनों हाथों को फिर से फंसा लिया, अपने दोनों हाथों को लेफ्ट अंगूठे की तरफ, सांस लिया, पीछे झुक गए और सांस छोड़ते हुए। अब देखिए, अगर आप ऐसे अंगूठे पर हाथ ना रख पाए, हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम है, लेकिन यहाँ तक आप मैक्सिमम स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है आप इतना अभ्यास कर पाए ऐसे ऐसे। तो ये मत समझिएगा कि अगर आप अंगूठा नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपका अभ्यास गलत हो रहा है, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी अलग है, हर एक इंसान अलग है। तो ऐसे, तो मैं जब अभ्यास कर रही हूँ तो मैंने पूरा ऐसे बड़ा चक्कर बना लिया ऐसे, पूरा पीछे, ये ध्यान रखिएगा, और ऐसे पूरा बड़ा चक्कर बनाइएगा ऐसे ऐसे। तो ये हो गया चक्की चालनासन का अभ्यास कि कैसे आप इसका अभ्यास करेंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे आसन के अभ्यास की तरफ, लेकिन उसके पहले अब दोनों पैरों में के आसपास जो टेंशन हुई है उसको ज़रा दूर भगा दें। दोनों पैरों को जोड़ लिया और ऐसे अपने थाई को बेली की तरफ लेके आएं और ऐसे दोनों पैरों को हग करें, और इससे इसका नाम क्या हो गया, सीटेड पवन मुक्त आसन या सीटेड विंड रिलीविंग पोज। और इससे टेंशन भी दूर भागेगी, थाई का दबाव पेट पर पड़ रहा है और पैरों के नीचे जो अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हुई थी उसकी टेंशन भी दूर भाग जाएगी ऐसे। और फिर आप थोड़ा रेस्ट कर लें, हर एक आसन के अभ्यास के बाद थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करें और फिर उसके बाद दूसरी बार स्टार्ट करें। अब हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है मेरु वक्रासन, ठीक है, गत्यात्मक मेरु वक्रासन। गत्यात्मक मीन्स डायनामिक, मेरु वक्रासन मीन्स स्पाइनल ट्विस्टेड। और ये आसन भी सीटेड प्रैक्टिस है, यानी बैठे बैठे अभ्यास करेंगे। तो जैसे हमने चक्की चालन आसन के लिए दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर किया था, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर लें, जितना भी दूर हो पाए। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे टी की पोजिशन पर लेके आएंगे, कंधे के लेवल पर। आपके हाथ की जो हथेलियाँ हैं वो फ्लोर की तरफ, फर्श की तरफ, योगा मैट की तरफ है, और सामने देखेंगे। देखिए, रीढ़ की हड्डी ऐसी तो नहीं है ना मेरी झुकी हुई है या बहुत तनी हुई है, सीधे रखें सामने। ऐसा इमेजिन करें कि आप सामने देख रहे हैं ऐसे। सांस लें और सांस छोड़ते हुए आप क्या करेंगे, अपने राइट हाथ से लेफ्ट बड़े अंगूठे को ऐसे टच किया और पीछे देखेंगे, ठीक है। फिर सांस लिया और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ से, लेफ्ट पाम से राइट बड़े अंगूठे को टच किया और पीछे देखा ऐसे। सांस लिया और सांस छोड़ा, सांस लिया और सांस छोड़ा। तो इसका अभ्यास आपको 10 बार राइट और 10 बार लेफ्ट करना है ऐसे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे टच किए भाग आए, कि जैसे हम पूरा पीछे ट्विस्ट करना है। तो आप जब सिर्फ इतना अभ्यास कर रहे हैं तो पेट पर इसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन जो मैं अभ्यास बता रही हूँ उसको ध्यान रखें कि मेरु वक्रासन, तो ये पीछे पूरा देखना है ऐसे। जरा इसको पीछे से देखिए, मैं जब अभ्यास कर रही हूँ ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे सांस लिया, सांस छोड़ते हुए अब ये मैंने राइट पाम से लेफ्ट बिग टो को पकड़ा और ऐसे मैं पीछे देख रही हूँ ऐसे, है ना। सांस लिया, ऐसे मैं पीछे देख रही हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। तो पीछे देखना जरूरी है आपको, तभी जाके वो स्पाइनल ट्विस्ट होगा। फिर से देखिए अभ्यास। तो दोनों पैरों को एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर रख लिया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए लुक बैक वन, सांस ले सांस छोड़े लुक बैक टू, सांस ले सांस छोड़े लुक बैक थ्री, सांस ले और सांस छोड़े लुक बैक फोर। तो इसी तरीके से अभ्यास करते हुए जब आखिरी वाला अभ्यास करें तो सांस लें और सांस छोड़ते हुए ऐसे पीछे देखें और होल्ड करके रखें, कम से कम 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें ऐसे, पीछे देखते रहें ऐसे। तो जब आप पीछे देखते हैं और इस पोस्चर को कुछ देर रोक के रखते हैं ऐसे, तो इसका इफेक्ट आप देख रहे होंगे, खुद करेंगे तो समझेंगे, गर्दन, कंधे, पूरी रीढ़ की हड्डी, और जब डायनामिक ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो पूरे एब्डोमिनल मसल्स पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया।
ये तो हमने कर लिया दूसरे आसन का अभ्यास। अब फिर से सीटेड पवन मुक्त आसन करेंगे, क्योंकि पैर बहुत अच्छी तरीके से फैले हुए थे ना। अब रेस्ट करेंगे, थाई को बेली की तरफ लेके आए और ऐसे बहुत अच्छी तरीके से हग करें, बहुत अच्छी तरीके से, जैसे किसी मित्र को आप गले लगाते हैं ना, बहुत दिनों बाद मिलता है तो आपको ऐसा ही महसूस हो जब दोनों जोड़ पैरों को जोड़ें। आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें। अब जो हम तीसरे आसन का अभ्यास करेंगे, इसमें हम नौका को संचालित करेंगे, यानी नौका संचालन आसन, बोट को रो करेंगे। अब देखिए, आप में से जिन लोगों ने नाव चलाई है उनको अच्छी तरीके से पता है कि नाव की जो चप्पू होती है, पैडल होता है, उसको किस तरीके से चलाते हैं। तो इमेजिन कीजिए, आप एक नाव में बैठे हैं, दोनों पैरों को अपने बॉडी के सामने स्ट्रेच करके एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखिएगा, अपने अंगूठे को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखिएगा। आपके दोनों हाथों में दे दी गई है चप्पू, तो ऐसे चप्पू को कैसे पकड़ते हैं, ऐसे, तो मुट्ठियां बना ली, सामने देखें, कॉन्फिडेंट रहे, पकड़ ली अच्छी तरीके से चप्पू, सांस लिया, अब पीछे ऐसे की ऐसे लीन होंगे, पीछे की तरफ थोड़ा झुक जाएंगे, सामने देखेंगे और जब सांस छोड़ेंगे, देखिए स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से लेंथन हुई, चेस्ट थोड़ा सा अपलिफ्टेड हुआ ताकि बेली को जगह मिले, थाई पर दबाव आए इसका। सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने झुके तो जाके बेली थाई पर लग गई, और सामने देखते हुए ऐसे फॉरवर्ड बेंड हुए और फिर यहाँ से सांस लेते हुए पीछे की तरफ खींचा, सांस छोड़ते हुए फिर से ऐसे आगे की तरफ झुक गए और फिर से पीछे की तरफ अपनी चप्पू को खींचा, सांस लिया और सांस छोड़ा। इसको आपको कम से कम 10 times करना है, 3 sets कर लीजिएगा। सांस लिया और सांस छोड़ा, जब आप सामने झुके तो सांस छोड़े और सांस ले, तो फिर से अभ्यास करें, सांस ले 1, सांस ले सांस छोड़े, सांस ले सांस छोड़े, सांस ले सांस छोड़े 5, एक्सहेल इनहेल 6, एक्सहेल। ऐसे आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये अभ्यास करें तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सामने ज़्यादा नहीं झुकते हैं। ये गलतियाँ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जब क्लासेस करवाती हूँ तो स्टूडेंट्स अमूमन ये गलती करते हैं, और मैं चाहती हूँ अगर आप मेरी वीडियो के साथ भी मेरे साथ जुड़े तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको ऐसे समझाती रहूं कि आप जब सेल्फ प्रैक्टिस करें तो आप इन चीज़ों को करेक्ट करें। वो क्या करेंगे कि बहुत धीरे धीरे ऐसे झुकेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब क्या होगा, जब बेली जो है थाई की तरफ जाएगी नहीं और आप पूरा पीछे जाएंगे नहीं, तो जो ये एब्डोमिनल मसल्स का एंगेजमेंट है ना, वो नहीं हो पाएगा, तो आपको पूरा सामने झुकना है। अब देखिए, बेली अगर बड़ी है, अभी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है और बिगनर है, तो अगर ज़्यादा झुक ना पाए तो कोई बात नहीं, बस ये आप खुद से महसूस करें कि आपकी जांग का जो दबाव है, थाई का दबाव है, पेट पर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो आप सही अभ्यास कर रहे हैं, तो बहुत खुशी मन से ऐसे अभ्यास करें, पूरी की पूरी एनर्जी लगा के कि हमें बहुत आगे जाना है इस तरीके से। और जब अब अभ्यास कर लें तो फिर अपने दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें और फिर रेस्ट करें। फिर उसके बाद पूरा अभ्यास जब आप कर लें तो फिर उसके बाद आपको लेट जाना है। लेटना बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोग अभ्यास करने के बाद लेटते नहीं हैं। शवासन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरीके से दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करें, हाथ को दूर करें और 5 to 10 minutes ऐसे ही आराम से लेटे रहें और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, रेस्ट करें। लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो। लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो आपको पूरी प्रॉपर गहरी नींद लेना ज़रूरी है। आपकी डाइट जो है उसमें बहुत ध्यान रखना है कि आप मॉडरेशन में डाइट लें। मॉडरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी भूख का जो है 50% आपको खाना खाना है, जो 50% खाना खाना है, 25% जगह छोड़नी है लिक्विड के लिए और 25% जगह छोड़नी है आपको एयर के मूवमेंट के लिए, वायु के मूवमेंट के लिए। फिर देखिए कितनी अच्छी तरीके से योग अभ्यास के साथ साथ आपने अगर अपनी डाइट को मॉडरेट कर लिया तो कितनी अच्छी तरीके से वेट लॉस भी होगा। साथ ही आपकी पूरी की पूरी दिनचर्या है ना, थोड़ा सा उसको एक्टिव रखिए। तो ये नहीं कि सिर्फ आप योगाभ्यास कर लिया और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब और वेट लॉस हो जाए, तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो
देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको सिखा दिया इन तीन योगासनों का अभ्यास जिनको आपको निरंतर करना है, साथ ही जो जरूरी टिप्स बताई हैं उनको इन योगासनों के साथ अभ्यास आप जरूर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं आपके बताए हुए टॉपिक पर, तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बना के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी आप सभी। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्ते।